सो गाइस फाइनली अभी आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हो MSTCET 2024 थर्ड में शिफ्ट वन। अभी इस वीडियो में हम पूरा देखेंगे ओवरऑल डिफिकल्टी लेवल किस हिसाब से रहा था पेपर का, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन से कंसेप्ट से पूछे जा रहे हैं जिसको आप आने वाले शिफ्ट में प्रैक्टिस कर सकते हो, और शिफ्ट वाइज मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल किस हिसाब से रहेगा, एंड फाइनली मार्क्स फॉर 90 परसेंटाइल बनाने को कितने मार्क्स लगेंगे, सब चीज़ हम इस वीडियो में देखने वाले, तो वीडियो को जरूर एंड तक देखना। सो गाइस सबसे पहले ये वीडियो थोड़ा सा लेट आ रहा है बट इसमें पूरा डिटेल्ड एनालिसिस है, सबसे एकदम अच्छे से वीडियो देखो। अगर आप इस चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करके रख दो। इस चैनल पे MSTCET का रिलेटेड हर चीज़ मिल जाएगी, चाहे वो आपके अपडेट्स हो, काउंसलिंग प्रोसेस हो, कैप राउंड 1, 2, 3, स्पॉट राउंड, सब चीज़ आपको मिलने वाली है इस चैनल पे। सो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रख देना। बाकी नीचे व्हाट्सएप ग्रुप पे ये सारी PDF हो गई, अपकमिंग आपकी कॉलेजेस की PDF हो गई, सब आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर होगी, सो व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना मत भूलना। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम देखेंगे इस वीडियो में आपका ओवरऑल पेपर एनालिसिस। अगर आप पेपर का डिफिकल्टी लेवल चेक करोगे तो ये पेपर थोड़ा सा डिफिकल्ट आया हुआ था, सो हमने इसको रेटिंग दी है मॉडरेट प्लस प्लस। सो मॉडरेट से डिफिकल्ट की रेंज में ये पेपर था। ये पेपर कंपेयर टू योर प्रीवियस डे वन उससे थोड़ा सा डिफिकल्ट पेपर आया हुआ था। अगर आप देखोगे सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस, सब्जेक्ट वाइज में आप जाओगे तो फिजिक्स वॉज मॉडरेट, केमिस्ट्री वॉज द ईजिएस्ट, केमिस्ट्री ईजी ही आ रहा है और आने वाले टाइम में भी ईजी ही आने वाला है, केमिस्ट्री टेक्स्ट बुक से ही आ रहा है, सो प्लीज़ टेक्स्ट बुक अच्छे से कर लेना। मैथ्स थोड़ा सा हार्ड जा रहा है, लेंदी जा रहा है, जैसा हैज़ यूजुअल सारे पेपर में हो रहा है वैसा ही हो रहा है, बट ये पेपर थोड़ा सा मुश्किल था, हार्ड पेपर था। अगर आप कंसेप्ट देखोगे कौन से कंसेप्ट के ऊपर क्वेश्चन पूछे गए, HCP का कोऑर्डिनेशन नंबर, डेंसिटी ऑफ FCC, गिब्स एनर्जी, अमीनो एसिड, स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज, फाइंड होमोपोलीमर्स, बेंजल्डिहाइड प्रिपेरेशन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, रॉसीमुंड रिएक्शन, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट्स के ऊपर, उसके बाद आपके मोलर कंडक्टिविटी के ऊपर। ये कुछ मेजर क्वेश्चंस थे जो मुझे केमिस्ट्री के पूछे गए थे कंसेप्ट के ऊपर। गाइस याद रखना आने वाले शिफ्ट में आपके कंसेप्ट रिपीट होते, क्वेश्चंस रिपीट नहीं होते, सो कंसेप्ट को आपको वापस से एक बार स्ट्रॉन्ग करके रख देना जो भी रिपीटेड कंसेप्ट है वो। फिजिक्स में जाओगे ग्राफ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, अल्फा बीटा इमिशन, थर्मोडायनेमिक्स के प्रोसेस के ऊपर क्वेश्चंस आए थे, कैपेसिटर इंडक्टेंस के फॉर्मुलेज के ऊपर क्वेश्चन था, करंट इलेक्ट्रिसिटी में सर्किट सॉल्विंग के ऊपर, गैसियस लॉ KTG के ऊपर क्वेश्चन था, मॉडर्न फिजिक्स के लगभग 5 से 6 क्वेश्चन थे। मॉडर्न फिजिक्स अभी भी बोल रहा हूँ बहुत हाई वेटेज है, मॉडर्न फिजिक्स छोड़ के मत जाना, जस्ट फॉर्मूला बेस्ड आता है मॉडर्न फिजिक्स। फिर नीचे जाओगे तो आपका रोटेशनल मोशन, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करो, फ्लूइड मैकेनिक्स के प्रेशर के ऊपर क्वेश्चन, बबल फॉर्मेशन ऐसे जो आते हैं वो, EMI के फॉर्मूले के ऊपर क्वेश्चन, आपके टोटल चार्ज इक्विवेलेंट निकालने के ऊपर क्वेश्चन, AC सर्किट को सॉल्व करने के ऊपर क्वेश्चन, फाइनली सेमीकंडक्टर के गेट्स के ऊपर क्वेश्चन आया हुआ था फिजिक्स में। मैथ्स में जाओगे तो मैथ्स में एक यूजुअल नया टाइप का क्वेश्चन आया था जो आपके टेक्स्ट बुक में गिवन है, स्विचिंग सर्किट लॉजिक के ऊपर क्वेश्चन, तो स्विचिंग सर्किट क्या होता है पढ़ लेना लॉजिक में। वेक्टर का इजी क्वेश्चन आ रहे हैं, वेक्टर के फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं, आपका क्रॉस प्रोडक्ट हो गया, डॉट प्रोडक्ट हो गया, वो जरूर करके जाना। प्रोबेबिलिटी में वर्ड फॉर्मेशन के ऊपर क्वेश्चन, आपको इतने ये वर्ड से कितने लेटर्स बन सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन आते हैं नॉर्मली। ट्रिग्नोमेट्री प्लस डिफ्रेंशिएशन से क्वेश्चन पूछे गए थे, डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट के ऊपर क्वेश्चन आया था, इंटीग्रेशन के क्वेश्चन लेंदी आ रहे हैं, तो जरूर अगर आपके पेपर में भी लेंदी क्वेश्चन आएगा इंटीग्रेशन का तो लास्ट में इंटीग्रेशन को अटेम्प्ट करना। ट्रिग्नोमेट्री टाइम्स और मिनट के ऊपर क्वेश्चन था, टाइम्स और मिनट को डिग्री में कन्वर्ट करो फिर उसकी वैल्यू निकालो। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर क्वेश्चन था, मैट्रिक्स में इन्वर्स निकालने के ऊपर क्वेश्चन आ रहे हैं, बाकी डिफरेंशियल इक्वेशन के बहुत लेंदी क्वेश्चन है, डिफरेंशियल इक्वेशन भी आपको लास्ट में अटेम्प्ट करना चाहिए। उसके बाद LPP के बहुत इजी क्वेश्चन, LPP जरूर फटाफट सॉल्व कर देना। लाइंस एंड प्लेन्स के भी लेंदी क्वेश्चन है, लाइंस के प्लेन्स एंड क्वेश्चन को समझने में टाइम लग रहा है, सॉल्व करने में भी टाइम लग रहा है, सो वो भी आप लास्ट के लिए रख सकते हो। इक्वेशन ऑफ लाइन के ऊपर क्वेश्चन, ये कुछ यूजुअली मैथ्स के क्वेश्चन थे इन कंसेप्ट के ऊपर आए। अभी फाइनली 90% लाने को कितने मार्क्स लगेंगे, अभी इस पेपर में आपको लगभग 91 से 93 मार्क्स लगेंगे टू स्कोर 90+ परसेंटाइल। बाकी आप मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल स्क्रीन पे देख सकते हो। अगर आपको 99% चाहिए तो आपको कुछ स्कोर अराउंड 150-155 मार्क्स करना पड़ेगा टू स्कोर 99%। बाकी 120 से 140 के बीच में आ रहे तो 96 से 98, 110 से 120 के बीच में आ रहे तो 94 से 96%, 100 से 110 के बीच में आ रहे तो 92 से 94%, 90 से 100 के बीच में आ रहे तो 85 से 92% आपके बन सकते हैं। दिस इज एक्सपेक्टेड वन, बाकी मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल बहुत डिफर करता है। गाइस और एक चीज़ याद रखना, आप लोग बहुत कमेंट करते हो कि भैया ये थोड़ा अनयूजुअल मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल है। गाइस इस साल कॉम्पिटिशन भी रहने वाला है, इस साल लास्ट ईयर की तरह नहीं है। आप JEE की कट ऑफ देख सकते हो, 93% JEE की कट ऑफ गई है, CET में भी कॉम्पिटिशन बढ़ चुका है गाइस, सो मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल में डिफरेंस आएगा। जितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बढ़ते हैं उतना परसेंटाइल आपका गिरता है, ये चीज़ याद रखो गाइस। सो प्लीज़ ये थोड़ा एक्सपेक्टेड मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल है, आप इसको थोड़ा सा ट्रस्ट कर सकते हो।
सो गाइज यही था आज का ये वीडियो। बाकी गाइज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रख देना, ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस आपके लिए मैं बनाता रहता हूँ। और नीचे लाइक बटन है, जरूर लाइक करके जाओ। एंड गाइज चैनल को सब्सक्राइब कर दो, व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक भी नीचे गिवन है, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना मत भूलना। आगे की सारी एडमिशन प्रोसेस भी व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर होने वाली है, जैसे अभी डॉक्यूमेंट्स बनाने के ऊपर आएगा वीडियो, उसके बाद डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लगते हैं, कैटेगरीज के डॉक्यूमेंट्स कहाँ से बनाने होते हैं, प्लस आपके टॉप कॉलेजेस के ऊपर जो कंटेंट आता है, टॉप कॉलेज की लिस्ट कौन सी है, मुंबई की, पुणे की, नागपुर की, जो आपको अपलोड करनी होती है कैप राउंड्स में, इस सब के ऊपर हम वीडियोस बनाएंगे। सो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर देना। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।